इसमें सुलाऊं? खोल इस चैन को, खोल। राधे राधे श्री राधे, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। और आज है मंडे, रामनवमी से अगला दिन। नवरात्रे पूरे हो चुके हैं और अभी सुबह के बज रहे हैं 8, करेक्ट 8 बज रहे हैं। मैं नहा चुकी हूँ, नहा दो के तैयार होके नीचे आ चुकी हूँ। अभी तक खाना नाश्ता कुछ मिला नहीं है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और अब बज रहे हैं घड़ी में सुबह के 8, मैं बन रही चाय और नाश्ते में रखी है पूरियाँ, क्योंकि कल किशोर विशाखा ने कही थी कि हम पूरियाँ खानी है। तो सब्जी भी तो रखी है। विशाखा ने रात को खाया नहीं खाना, हम सबसे पूरियाँ बनवा दी दोनों घर भैयों ने। झाला हो रहा है यहाँ पे हो रहा है झाला। नाश्ते में पूरियाँ है, सब्जी भी रखी है। अरे कल तो मैंने वैसे खाई थी ना, आप लोगों ने तो गर्म खाई होगी, मैंने तो ठंडी नहीं, मैंने ठंडी खाई थी, देर बाद मैंने खाया था, 1 बजे खाया मैंने कल खाना। अच्छा हाँ। अरे पता है क्या, मतलब हम सारे फ्रेंड्स वगैरह थी ना कल, तो उस मतलब मेरे लंच तो सभी ने खाया था जो हम मतलब ग्रुप में थी। ठीक है, कह रही यार खाना तो अच्छा है, सब्जी तो अच्छी बन रखी है। हाँ मैं मतलब वैसे ना हमारी बात हो रही थी सुबह की लंच में क्या लाए हो, तो मैंने कहा पूरी सब्जी है यार। तो कह रही तू भंडारे वाली लाई है, मतलब जो प्रसाद वाली होती है? मैंने कहा हाँ। कह रही हूँ मेरे को बहुत पसंद है ये सब्जी बनी है, बिल्कुल भंडारे वाला स्वाद था। और टमाटर मैंने कल ना उसमें उबाल के डाले थे, तो बिल्कुल भंडारे से स्वाद था। और फिर काले चने थे जिसमें उबाले थे मैंने, वही जो पानी था उसी का पानी को मैंने उसमें डाल दिया था आलू की सब्जी में। अच्छी की रंगत भी इतनी अच्छी थी। हाँ। सब्जी और पता है क्या, सबसे बड़ी बात ऐसा लगता है भंडारे की सब्जी आई है। अरे पता है सबसे बड़ी बात क्या, वैसे खाना बनाएंगे ना तो नहीं बनता ऐसा खाना, मतलब वैसी सब्जी नहीं बनेगी, वो स्वाद आएगा ही नहीं। चाहे सब नहीं, वो फिर मारा भगवान के जब भोग लग जाएगा तो स्वाद तो से बढ़ जाता है। अरे मेरी पूरी तो सुनो, मतलब जैसे आप सब्जियां बनाते हो, आप बनाने की कोशिश करते हो कि हाँ वही वाला स्वाद है, वो वाला स्वाद नहीं आता। लेकिन नवरात्रों के रामनवमी पे जब मम्मी वो सब्जी बनाती है तो भंडारे वाला स्वाद अपने आप आ जाता है। और जब तुम चिमनी आती थी, जब तेरे साथ ही इतनी गली में लड़के बच्चे थे, वो सब्जी इतनी भर के बनानी पड़ती थी ना कुकर भर के, इतनी इतनी आलू गोभी, आलू गोभी बच्चे इतने शौक से लेके आते, आंटी हमें और दे दो, तो तीन तीन बार मांगते थे, भरे पेट होते थे नौवीं वाले दिन, जबकि हैं और भरे पेट होने के बाद भी आंटी सब्जी और दे दो, दो तीन तीन बार लेता था एक एक बच्चा, और इतनी इतनी सारी सब्जी। हाँ गुन्नू वो भर के सब्जी बनानी पड़ती थी, पूरे सब्जी के बारे में सोचना पड़ता था, कह रहे हम घर लेके जाएंगे बाद में भी खाएंगे, ये कहते थे। सब्जी तो पता नहीं नौवीं वाली थी तो बाकी बहुत स्वाद बनती है, वैसे ही बनाती भी चटपटी सी बोला, फिर बच्चे रोज रोज तो थोड़ा चटपट सा भी चटपटा भी नहीं बनता, लेकिन हाँ कोशिश करो ना वो चीज़ नहीं बन पाती, वो नहीं बनती। लेकिन औरतों की सब्जी और हलवा पूरी का स्वाद ही अलग होता है, ये बात कह रही। हलवा और मैं चने नहीं लाई, मैंने कहा नहीं मैं वो किसमें लाती है। हाँ इसने तो खाया दोपहर में, रात शाम को आगे खाया कोली से आगे हलवा चने, और खाना फिर बस पूरी सब्जी ले गई थी, तो और कुछ लेके नहीं गई थी बाकी वाला प्रसाद। मेरे को खाना नहीं खा के गई, कुछ नहीं खा के गई थी, मैं ऐसी गई थी। वो दोनों जने बाद में करती ना, तो फिर मेरा प्लान। और यहाँ देखिए शुरू शुरू किचन की हालत क्या हो जाती है, ये उबल रहा है दूध, बस कानाची का ठंडा करके भोग लगाऊंगी दूध का। और ये बन रही है मेरी चाय, बच्चे लेंगे दूध तो इसलिए दूध भी उबल रहा है, चाय भी बन रही है, और नाश्ता पूरी यहीं रखी है तो खाएंगी। और सब्जी की शक्ल दिखा देती, कल मेरी कैसी सब्जी बनी थी आप लोगों ने नहीं देखी थी वो दिखा देती। ये देखो बिल्कुल भंडारे वाली सब्जी थी, ये रखी हुई एक कटोरी बच गई है रात को, क्योंकि बच्चे अब जो बच्चे आते हैं ना वो सब्जियाँ नहीं खाते, पूरे छोटे छोटे बच्चे कंचका होती हैं तो खाती नहीं, तो बिल्कुल भंडारे वाली सब्जी बनी है एकदम। पहले तो सारे गली के बच्चे जितने आते सब सब्जियाँ खाते थे, अब छोटे छोटे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे कंचका हैं जो सब्जी खाती ही नहीं है सब्जियाँ, मतलब यहाँ तो सब्जी नहीं खाली चने हलवा पूरी यही सब चलता। हाँ यहाँ से लेके यह पूरा भरा हुआ था, ये पूरा
यहाँ से लेके पूरा वो गेट तक था कंजकाया बहुत सारे 22 बच्चे आ गए थे 22 बच्चे और दो तो हमारे घर में ऑलरेडी है उनको मिला थे 24 लोगों को नहीं 24 पूरी घर बटी थी ना हाँ नहीं 24 ही बटी खुली दो बचाई थी ना 24 आई थी ना डब्बे में सुनोगी मेरी हाँ। दो तो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं ना हाँ तो दो मैं उनको दे के आई थी पहले जाके उन्होंने उनके नाम की पैरी निकलवा दी थी हमने दो मिनट को पालो और बाकी 22 बच्चे होते मतलब हम लेके आए थे बच्चे तो गिने नहीं थे हमने वो गिनी थी लाहौरी जीरो लेके आए थे सबको बांटने के लिए तो एक एक बोतल सबको बांटी पूरी पेटी ले आए थे उसमें 24 आती हैं तो पता है 24 22 उसका हिसाब लगाया तो ऊपर काना जी को पिला दी दोनों को रख दी और बाकी 22 गली बट गई स्लीप में मम्मा आती लाहौरी जीरा पे कूदी थी लाहौरी जीरा पे और बच्चे कह रहे आंटी एक एक और दे दो हाँ लाहौरी जीरा है अब बर्तन बर्तन लाओ ये चीज लाओ ना इससे अच्छा तो फिर मुझे लगा मैंने ऐसे बच्चों को खाने पीने की चीज लिया तो ज्यादा अच्छा है कि बच्चे ना शौक से खा रहे थे पी रहे थे हाँ। वो बर्तन वगैरह कुछ ले जाओ ना बच्चों के काम आती नहीं है घर में जाके यूज होने लगते हैं वैसे वो भी कोई बुरे नहीं है लेकिन मैंने सोचा करके चलो खाने पीने की चीज बांट देते फिर कुछ बच्चों के चलो पहनने की चीज अब वो रहता है ना कोई चीज लेके आओ ना तो उसमें ये रहता है कम ज्यादा ना रह जाए और जैसे हम लेके आते 12-13 या 17-18 ले भी आती मैं तो बच्चे 22 थे तो इसने अंदाजा नहीं पड़ता ऐसी चिल्ला था सच्चा खाने पीने चिल्ले आओ सही रहता पिछली बार मैंने फ्रूटी बांटी थी ना हाँ। लड़कों को फ्रूटी तो नहीं कंचुआओं को कटोरियाँ थी शायद कुछ ऐसी कोई चीज़ थी कटोरियाँ थी एक आध कम पड़ी थी फ्रूटी दी थी लड़कों को फिर लड़के कह रहे कि ना हमको तो दो बच्चे एक नहीं दो चाहिए मैं तो चल रही है विशाखा और स्लीपी की मस्ती विशाखा ने चला दिया है गाना 52 गज का लहंगा और यहाँ पे स्लीपी कर रही है रुक रुक के डांस तो भाई यहाँ हो चुकी हूँ मैं मुंह हाथ धो के रेडी और सारी सफाई मेरे घर के हो चुकी है सब ये और क्रिस तो गए हुए हैं अपने क्रिस स्कूल गया है ये अपने काम पे गए हैं और विशाखा ऊपर है पढ़ने बैठी हुई है और मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए और आज खाने बनाने जा रही हूँ मैं कढ़ी चावल देखो मुझे हो रहा है मलगम छाती में बहुत ज़्यादा तो भी मुझे हो रहा है मलगम मेरे ना बहुत ही गले में पर मलगम आ रहा है खांसी के कारण खांसी हो रही है मुझे फिर भी मेरे कढ़ी चावल खाने कढ़ी चावल खाने इतना मन करा भाई इतने दिन बढ़ती रहे हैं ना 10 दिन हो गए पूरे बर्त रखते क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा उठ रही मुझे और दिल कर रहा है कढ़ी चावल खाने के लिए सच में बहुत ही दिल कर रहा था तो मैंने कहा चलो मट्ठा मैंने मंगवा लिया दिखा दिया आपको तो भाई तो ये देखिए आ चुकी है मेरी मट्ठा खोल के दिखाते हैं डोलची देखो कितनी प्यारी है ये देखो छोटी सी डोलची कितनी क्यूट है ये डोलची बड़ी सुंदर लगती है छोटी सी बड़ी भी है मेरे पे लेकिन ये बड़ी अच्छी लगती है दिखाती हूँ खोल के ये देखिए मट्ठा क्या मक्खन डला हुआ मट्ठा है और इसकी बनाने जा रही हूँ मैं कढ़ी क्योंकि ये इतना खट्टा मट्ठा इतना खट्टा है कि मैंने आधा लिया था उसमें भी इतनी खट्टी होगी कढ़ी खाने में मुश्किल होगी बहुत खट्टा मट्ठा आधा लिया बस ये है खट्टा बहुत होता है कि अगर तुम चाहो ना खाली इसे
नमक जीरा वगैरह डाल के पीना चाहो तो उस तरह नहीं पी सकते हो, खाली कढ़ी का ही काम आ सकता है। मट्ठा हमेशा मंगाते खट्टा ही आता, पता नहीं क्या बात है। तो यहाँ पे आधा मट्ठा ही लिया है मैंने, और उसमें मैंने डाल लिया है बेसन, दोनों के लिए बेसन खोल लूँगी, कढ़ी के लिए भी और पकौड़ों के लिए। पकौड़ों में डाल दिया थोड़ा सा मैंने मट्ठा, ताकि पकौड़े थोड़े फोके बने। पकौड़े हमेशा मेरे फोके बनते, गाँठ की तरह नहीं बनते, कि चम्मच से उसे जो दही बन रहा था ना उससे भी टाइट फोक काटना पड़े, ऐसा नहीं है। पकौड़े हमेशा फोके ही बनते हैं। और ये खोल लूँगी मैं इसमें बेसन, खाना बनाना मुश्किल है, खाना ही मुश्किल और खाना बनाना मुश्किल। सर्दी बढ़िया है, इंसान अपने आराम से फैन ओढ़ के बिना पंखे बिना लाइट के रह सकता है, लेकिन भाई बिना गर्मी में बिना पंखे और गैस के पास खड़ा होना तो उससे भी ज़्यादा कठिन काम है। बिना पंखे रहना बहुत कठिन काम है सच में। तो भाई धीरे धीरे ये हालत हो जाए, मुझे आ रहा है पसीना, आते काम करते घर का लग गई खाना बनाने। क्रिश आएगा, वो फिर खाना खा के जाएगा ट्यूशन, इसने मुझे खाना भी बहुत जल्दी बनाना, मुझे एडिटिंग भी करनी है कल की वीडियो की, अभी काम भी इतना पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, कपड़े प्रेस करने हैं, आज सब काम ही काम है दिन भर। पकौड़े का बैटर भी तैयार है और मेरी मिर्चें भी तैयार है, आज बनाने वाली मिर्च के पकौड़े, तो इनको पहले धोऊंगी मैं। अरे भाई मैं भूल ही गई, मैंने मसाले तो डाले नहीं अभी, चलो पहले डाल लेते थे मसाले। और ये मैंने निकाल लिया है प्लेट, इसमें मेरे प्लेट पकौड़े तल तल के निकालने हैं। तो भाई ये देखिए इसमें डाल दिए मैंने नमक मिर्च मसाले, अब इसमें डाल देते हैं सारी मिर्चियाँ। तेल हो चुका है बहुत ज़्यादा गर्म, एक हाथ से वीडियो बनाना एक हाथ से तलना सच्ची तो बड़ा भारी काम है। कढ़ी में ये तो मिर्च के पकौड़े हो या फिर हो सूखी लाल मिर्च भुनी हुई, तब आता है मज़ा। कढ़ी चावल ये हो या कढ़ी रोटी हो, तब खाने में स्वाद आता है। तो इस हमेशा चार पांच मिर्च तो मैं ही खा जाती हूँ, सब एक एक खाएंगे मैं चार पांच खा लेती हूँ, पांच छह भी खा सकती हूँ मैं मिर्च। ये चटपटी भी नहीं थी, मेरे बन रहे हैं मिर्ची पकौड़े, हल्के से ज़्यादा सेक गए, तेल ज़्यादा गर्म होने के कारण। और ये देखिए ये पकौड़ों में मैंने कर दी थोड़ी गैस मल ली, तो मीटिंग में आके सेक दूँगी हल्का सा, वैसे तो तेज आके भी अच्छे से सिक जाते हैं, लेकिन मैं अंदर तक सिक जाए अच्छे से करा रहे चल कर ही देते तेज मुझे तेल आते हैं, तेल मंदा हो गया था, अब तेल गर्म हो जाएगा तो ये भी जल्दी सिक जाएंगे। और मैं डाल लेती हूँ हाँ इसके छठ तड़के के लिए, ये कर लिया है मैंने तड़के की तैयारी। तो तड़का मैं थोड़ा स्पेशल देने वाली हूँ इसमें, थोड़ा सा डिफरेंट, कड़ी को थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें डाली है बड़ी इलायची, तेज पत्ता है, और ये है मेथी, अजवाइन, हींग, और थोड़ी डाल दूँगी मैं इसमें राई, थोड़ा सा है जीरा, और डाल देंगे सबको इसमें ऐसे। ये देखिए मसाला, तेल थोड़ा गर्म था और मैंने थोड़ा सा कम भी किया है यहाँ पे। तो भाई इसमें डाल दी थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी, और अब लगाएंगे इसमें, भुन तो जाए ज़रा पहले इसे, थोड़ा सा भुन जाए चटर चटर हो जाए। क्या मसाला इतना अच्छा लगता है, घने घने मसाले मसाले के सारे अजवाइन वगैरह का सारा फ्लेवर आ जाएगा कढ़ी में, मस्त लगेगी कढ़ी। तो अब ये ना मसाले पक ही रही है, देखो चटर चटर की आवाज़ आ रही है, कितनी देर तक ये देखो कैसे फूल रही है, बड़ी इलायची
खुशबू भी बड़ी टेस्टी आ रही है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। तो अब इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ी सी हल्दी, मिर्च थोड़ी ज़्यादा, थोड़ा धनिया और सोनी अच्छे से तुरंत डाल दूँगी मैं ये सारा बनाया हुआ खोल। वाह वाह, ये रखो भैया को भी एक ग्लास ग्लूकोज अपने लिए बनाते रहते हो, जब तक पीते रहते, पूरा डिब्बा तुम दोनों बहन भाइयों ने ठेला ले रखा है खाली करने का। मैं तो कल पिया था बस, जब चाय। ये देख कलर कड़ी कितनी सुंदर लग रही है ना, ऊपर तैरती हुई सारी चीजें है ना। मेरे को तो खुजा ले हाथ के अंदर, खांसी भी कड़ी बना रही मैं देखो, और ग्लूकोज पी रही हूँ। जवान पे पंखा चला दे, सच में गर्मी बहुत तगड़े वाली लग रही है मुझे तो। आए भगवान, ये निकाल के लाएगी ग्लूकोज। अरे खांसी की दवाई लेनी पड़ेगी लगता है, ले लूं खांसी की दवाई। है तेरा हो गया जुकाम से एक खुराक में हैं? चल तो फिर सारी दवाई मैं ले लूंगी, और क्या है, मेरा गर्मी हो गई बोलू। देखियो तो यहाँ विशाखा ने बना दिया है ग्लूकोज, फटाफट से घोल दिया अच्छे से। अरे राम गुन्नू, पढ़ने बैठी नहीं बैठी तब तक? मजा आया ग्लूकोज पी के, गर्मी इतनी है ना आज। गर्मी पता आज क्या आप कह रहे हो, मैं कल जब वहां से आई ना इतनी हालत खराब थी, जब तक ग्लूकोज नहीं पिया तब तक आराम नहीं मिला। ग्लूकोज पियो, रूम में जाओ उससे पहले 5 मिनट पहले ग्लूकोज पियो, आओ तो ग्लूकोज सच्ची से खेलने लग जाते हो। और एक कड़ी में भी वो आने को तैयार है, आने को तैयार नहीं, वो आ गया। उससे खेल खेल के उससे सारे चावल भी खेल रही, मान जा मान जा। कड़ी में कितना बढ़िया उबाल आ गया है, और ये पता नहीं विशाखा कहाँ जा रही है। कड़ी में इतना बढ़िया उबाल आ गया, कलर देखो कितना फर्स्ट क्लास आया है, सच्ची देख के इतनी कलरफुल लग रही है, बहुत बढ़िया। और आज कई दिनों में, आज ना कई दिनों में कड़ी खाने को मिल गया। मैं सोच रही थी मेरा मैं नोट दो से पहले एक बार कड़ी बना के खाऊंगी, लेकिन बनाने का नंबर ही नहीं आया कड़ी, तो मैंने चलो कोई बात नहीं, हम नोट दो के बाद बनाएंगे। विशाखा की बोली हम भी कड़ी ही बना लो, मैंने कहा दाल चावल बना लो, कहीं नहीं करूँगा। तो मैं विशाखा एक मेरी फरमाइश थी कड़ी चावल, है ना बोलो, और आज सारे खुश होने वाले कड़ी चावल खाने के लिए। यहाँ उबल चुकी है कड़ी और कह रही है मुझे में डालो पकौड़े, तो मैं इसको डाल देती हूँ इसमें पकौड़े। आह अब तो और सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे हमारे कड़ी चावल तैयार है, साथ में बनाया है सूप, और करते हैं इसको एंजॉय। विशाखा अंदर खाना खा रही है, मैं अपना लेके जा रही हूँ और सबके लेके जा रही हूँ सूप। और इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, वीडियो चलो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो शेयर करते हैं। टाटा बाय बाय, राधे राधे।